अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मछली का सालन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप ऑयल, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, 2 से 3 प्याज लेकर उनको मैंने पतला पतला काट दिया था। अब मैं बस इसको फ्राई करूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी जब तक कि ये पिंक होने लगे। अब यहाँ पे प्याज पिंक होने लगा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी। और ज़ीरा डालने के बाद मैं इसको पका लूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 1 ली थी और टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के 2 से 3 लिए थे, उनका मैंने छिलका उतार लिया था। और अब मैं इसको बस पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर गल गए हैं, अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको पकाऊंगी ताकि ये मसाला अच्छे से यकजा हो जाए। वैसे तो इसको ब्लेंडर में डाल के बस घुमाना ही होता है, लेकिन लाइट गई हुई थी और लाइट का इंतज़ार करना फजूल ही था तो पानी डालकर ही इसको गलाना पड़ा। और अगर आप भी चाहें तो इस स्टेज पर इसको जूसर में डाल के घुमा दें, नहीं तो बस मेरी तरह आप भी पकाते ही जाएँ। यहाँ पे पानी खुश्क होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 आलू। अब इस आलू को मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी क्योंकि ये नए वाले हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक हसबे जायका। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें मछली। मछली के मैंने 6 पीसेस लिए थे और मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने हैं, मतलब किलो के हिसाब में ये कितना बनता है, तो मैं बस ऐसे ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसको फिर पका लूंगी जब तक कि ये मछली गल जाए। मछली का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया। एक मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च कटी हुई और कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी और उसके बाद मैं बस इसको डिश आउट कर दूंगी।